बीजेपी गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। टीएमसी ने कह दिया है कि वो बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। टीएमसी के कुणाल घोष ने ये कह दिया है कि पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कुणाल घोष ने ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई भी आधार नहीं है। ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अधीर चौधरी भाजपा का एजेंट है, फालतू बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कह दिया है 42 में 42 तृणमूल कांग्रेस लड़ेंगे, वही हमारा अभी तक के लिए स्टैंड है, अनाउंस स्टैंड है। कांग्रेस पहले महत्व नहीं दिया था, जब 5 स्टेट में हार गया पंचायत असेंबली चुनाव में, तब उनको लगा कि अकेले नहीं जीत पाएंगे, तब सबको साथ लेने के लिए हर स्टेट में जाकर लोग बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मजबूरी है कांग्रेस की, इसीलिए सबको हाथ पांव पकड़ रहा है।